देखिए जैसे विधानसभा का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी कौन जा रही, इसके लिए हमने पिपली का एरिया जो है चंद्र के लिए रिमोट के लिए आया था, अंचल है उसमें जनरल सिटी सबका आया था, हमने उसके लिए बाढ़बंदी को प्रवेश होगी। बाढ़बंदी के समय भी किसी ने उसको कोई चैलेंज किया, उसके प्रकार से बाढ़बंदी हुई एक बात है। उसके बाद अपना वोट बनने की वोट उसकी वोट बन चुकी है, हमारी सरकार ने चुनाव जीतने बिल्कुल अपडेट कर लिया था, इलेक्शन के लिए होना था। इसके अंदर मैं कहूँगा कांग्रेस के कुछ लोग काउंसिलर वो हाईकोर्ट चले गए, उन्होंने जाके जो आदमी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन नहीं कराना चाहती, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 101% लेवल प्रश्न का इलेक्शन कराने के लिए खुद तैयार बैठी है, हमारी खुद की इसकी बैठक हमारे और आदमी ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं, हमारे एमपी बैठे हो चुकी है मीटिंग, हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन जो कांग्रेस के लोग आज बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन करा रही, कांग्रेस के लोग खुद हाई कोर्ट में गए, उसके लिए अभी 28 जो है मई की डेट लगी हुई है, चार मई की डेट लगी है, लेकिन उनकी डेट 4 मई की लगी है। 100% मैं आपको वादा कर रहा हूँ 4 मई से पहले पुलिस का इलेक्शन भी करा। थाने से नगर परिषद चुनाव काफी देरी से हो रहे हैं, 2 साल का समय गुजर गया है, कब तक उम्मीद है? देखिए नगर परिषद के चुनाव के लिए हमें पिपली और कुछ एरिया ने अंचल और मैं कहूँगा उधर सिटी में सब ने लिखे दिया कि इसको नगर परिषद की सीमा में लिया जाए, तो उनकी इस पर हमने उनको नगर परिषद में का रेजिडेंट डाला। उसके बाद उसका पूरा केस बना, लगभग उसको टोटल सीएनएसएस की वार्डबंदी होनी थी, तो वार्डबंदी पूरी कंप्लीट हो चुकी और वार्डबंदी के समय भी किसी ने उसको किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं किया, वार्डबंदी ठीक ठाक हुई थी। उसके पश्चात अपना चुनाव आयोग ने उसकी अपना टोटल वोटिंग लिस्ट बनी, वोट लिस्ट बनी, कहीं भी किसी प्रकार का राजनीति कोई उसमें अंदर किसी का कोई उसके अंदर किसी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो वो इलेक्शन बिल्कुल प्रोसेस पूरा हो चुका था, अपना वार्डबंदी भी हो चुकी थी, उसके बाद वोट भी बन चुके थे। बनने के बाद हम इलेक्शन कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार थी, हम लोगों की मीटिंग भी हो गई थी आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रवि प्रधान जी बैठे, टोटल हमारी मीटिंग होगी और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कराने के लिए बिल्कुल 100% तैयार थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो आज ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कराना चाहती, कांग्रेस पार्टी खुद कोर्ट में गई और कोर्ट में जाकर उनके जो काउंसलर थे उन्होंने एक रिट फाइल करी और उस रिट फाइल का सरकार उसको चुनाव आयोग और उसका जवाब दे रहे हैं। और हम तो एक और जाएंगे अभी उसमें 28 मई लगी है, 4 मई लगी है जो डेट, उससे पहले मैं अभी आदरणीय एजी साहब से अपना चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जल्दी हियरिंग लेके इस इलेक्शन को जल्दी करवाएं। जिन्होंने याचिका डाली उन्होंने आरोप लगाया है कि वार्डबंदी जो है सही ढंग से नहीं की गई और जनसंख्या का अनुपात देखिए वार्डबंदी करना या उसके बाद वोट बनाना ये चुनाव आयोग का काम है, इसके अंदर किसी राजनीतिक पार्टी का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ करती। उन्होंने बढ़ाया, उन्होंने पूरा जिस प्रकार की गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी हिसाब से बनी, उससे पहले भी तो वार्ड बने हुए हैं, वो उन वार्डों के अंदर भी जाके देखिए किसी वार्ड में 6-7 हज़ार वोट थी, किसी में 3 हज़ार वोट थी, 2 हज़ार वोट थी, तो जिस प्रकार की वार्डबंदी उसके अंदर की वोट ही बनेगी ना, तो वो बिल्कुल बनी है। उन्होंने आदरणीय हाईकोर्ट में डाला हुआ है, हाईकोर्ट जो निर्णय लेगा उस सबके लिए मैं क्या मान्यवर होगा। तो आप जाओगे हाईकोर्ट में? बिल्कुल उसके अंदर हम एप्लीकेशन देंगे इसके अंदर अर्ली के लिए कि जो उनका जल्दी से इसकी अर्ली रिंग हो जाए ताकि लोग जो इस प्रकार के इलेक्शन के लड़ने तैयार हैं तो हम भी बिल्कुल उसके लिए करना चाहते हैं।